Welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. आज हम निकल रहे हैं 4 दिन के ट्रिप के लिए. It's going to be a road trip, but so much fun because हम कर रहे हैं इस ट्रिप को विद गुंजन एंड हर फियांसे. सो बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज गुंजन इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट फ्रेंड्स हियर इन कैनेडा और हम बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाहते थे साथ में. सो आज फाइनली कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू आस्क द आइटिनरी प्रॉपरली एंड टेल यू बिकॉज सारे नाम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे याद नहीं हो रहे. और निखिल के ट्रैक सूट्स इतने सालों की मेहनत के बाद बाहर निकल गए हैं. मुंबई के लिए बहुत गर्म है. एंड टर्न अराउंड देखो, लड़के ने नया बैग पहना है, एकदम अच्छा लगा है. रिच पीपल. And when I'm using my bag, so yeah. And this is my outfit of the day for today. I try to wear something very Korean style because मुझे अच्छा लगता है. मैंने यहाँ पे कल किसी लड़की को देखा ऐसे पहनते हुए, मैंने कहा मैं भी पहनूंगी आज. तो that's why this is the whole look. And I was going to wear winter boot, लेकिन निखिल ने मुझे बोला बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उसमें तो मत पहना. So I didn't wear. And Gunjan is here today too, looking all hot. Thanks. So we are very excited to travel together. आज बहुत मज़ा आने वाला है. True. So after a half an hour drive, this is our first fuel stop. Gunjan is working because उसको काम है, so she has to work. I can totally understand, you know, कि जब आपको weekday पे काम होता है, even if you're going out, you need to keep working. But अच्छा है कि हमारा travel time है 1.5 hours. I want. We have everything in the car. Water, Pepsi. कुछ नहीं actually. Nothing. कुछ नहीं चाहिए. Washroom? नहीं. आज मुझे वॉशरूम नहीं आ रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड आज हम जा रहे हैं मस्कोका. पहले जाएंगे वाइनरी, फिर जाएंगे लेक. वी आर गोइंग ब्रेस ब्रिज फॉल्स. इट्स अ वाटरफॉल. इट्स अ फेमस मस्कोका वाटरफॉल. रात के लिए गुंजन हैज बुक्ड एन अमेजिंग कैबिन एट मस्कोका. तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेन इज द वीकेंड, वेन इज अ लॉन्ग वीकेंड, गो एंड स्टे इन द कैबिन. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट. एंड हाफ आवर्स के ड्राइव के साथ हम यहाँ पे पहुँच गए मस्कोका. इट्स कॉल्ड द क्रैनबेरी कैपिटल. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो अभी हम लोग कोई वाइनरी आए हैं. यहाँ पे गुंजन वाइन स्टॉम्पिंग करने वाले, मैं नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू स्लिप एंड फॉल, इट विल बी वेरी अन ईवन. तो मैं और निखिल ऐसे वाइन टूर करेंगे. बट यहाँ पे द ड्राइव वॉज रियली नाइस एंड सूदिंग. एंड फाइनली यहाँ पे आके थोड़े फॉल के कलर्स दिख रहे हैं. सो ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज, ओ माई गॉड. एंड निखिल ये बकवास सा मैजिक मसाला खा रहा है, बिल्कुल भी इंडिया जैसा नहीं है. जो वी पेड $3 फॉर इट यस्टरडे एट वॉलमार्ट एंड इट्स वेस्ट. मैं अपने हाथों से खिलाऊं शायद टेस्ट आ जाए. क्या पूरा मूड खराब कर दिया. इतना अच्छे से खरीदा था इसको कि इट विल बी लाइक दैट डिसअपॉइंटेड. लुक एट दिस पर्सिस्टेंट फेस ऑफ ईटिंग लाइक लेज एंड थुसावेंग इट. ज्यादा दिया लेज, थूस रहा है तू आज. खिचड़ी भी खाएंगे. अच्छा लग रहा है ना. बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी डिफरेंट. वेरी विल बी एबल टू वॉक फॉर लॉन्ग. ऑफ कोर्स जब टायर्ड हो जाएंगे तो उठा लेना. विंटर शूज पहनते हैं. एकदम इतना फ्लैट है, इट्स नॉट लाइक अनइवन दैट मच. और ये देखो ये हार्ट शेप में भी है. भाग के जा रहे हो तो मतलब भाग के जा रहे हैं बिकॉज़ अदर टाइमिंग शुरू हो गया टू जंप इनटू दैट पॉन्ड ऑफ क्रैनबेरीज. इट्स कॉल्ड प्लंजिंग. इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है वो, बिल्कुल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में. लोग टमाटो के साथ करते ना वैसा ही लग रहा है. मैं मुझे नहीं पसंद उसे. पॉन्ड ऑफ क्रैनबेरीज ऐसा मैंने कभी नहीं देखा. सो इंटरेस्टिंग. मैंने निखिल को बोला कि तुझे करना चाहिए एटलीस्ट. मैं नहीं कर पा रही पर ही डजंट. वो हार्ट शेप में बना, तेरे बिना नहीं करता मैं. How romantic, heart shaped में everyone's like having fun. चले मैं नहीं गया तेरे बिना. तेरे बिना क्या करूँ मेरे. एक साथ हम लोग हाथ पकड़ते करते आगे लगे भटकते रहे. We came driving to Brace Bridge because we are going to Brace Bridge Falls. Beautiful place is like looking like Mystic Falls. Vampire Diaries fans, you know, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है.
ये बेटा मुझे पानी से डर लगता है, पर दिस इज सो नाइस, इज ज्यादा, इट लुक्स लाइक अ डैम मोर देन अ फॉल, बट ब्रेज ब्रिज फॉल बोलते हैं इसको, बट काफी ब्यूटीफुल प्लेस है ये, इतना अच्छा अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं वैम्पायर डायरी शो के अंदर आ गई हूँ, सब वैसा ही लग रहा है। सम रीजन ये जो साउंड है इट्स जस्ट सो वेरी कामिंग टू द माइंड, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, मैं कैन स्लीप, गिव मी योर बेड शीट एंड अ पिलो। कम इन शैनिस टच द वाटर कम। अरे अच्छा है, ठंडा पानी है यार। नो आई गेट स्केर्ड, यू आर टच इट आई विल फॉल डाउन इनसाइड। पागल है, मैं हूं ना, पकड़ ले, जा बैठ जा, बैठ जा, सिट डाउन, टच द वाटर। आई एम नॉट बीइंग एबल टू बेंड, और कोशिश कर। आई एम स्केर्ड, नॉट टच। कैसा है? अच्छा है। अरे मेरे ऊपर लगा ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। ये उधर रिवर है और हमने वहाँ गाड़ी पार्क की, ये जो हमारा छोटा सा घर रहेगा इस बार के लिए, और मैं बिना जूते के बाहर आ गया हूँ, एंड अभी हम थोड़ा नॉक करेंगे बेल मारने के पहले। टिंग डोंग, खोलो शैनिस। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल केबिन। आई मीन जैसे इट्स नॉट एट ऑल ओवर हाइप्ड, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस फाइंड किया है गुंजन ने, लिटरली यहाँ पे लिखा है द किंग्स डेन वेलकम्स गुंजन एंड गेस्ट, एंड दिस इज़ आवर लिविंग रूम, दिस इज़ अ वेरी वेरी लैविश ब्यूटिफुल बेडरूम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड ये थोड़ा बहुत लग्जरी वाला एयरबीएनबी लग रहा है, सो इट्स रियली नाइस। एंड देन एज यू वॉक इन टू द होम देयर सम डोर, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, खोल के देख ना, खोलो, डरती क्या है, अपना ही है, ऑफ कोर्स लॉक्ड है, लॉक्ड है, ओके लॉक्ड है तो फिर कुछ पर्सनल रहेगा। एंड देन दिस इज द वॉशरूम, रियली नाइस एंड स्पेशियस, बहुत ही अच्छा विद अ रेड लाइट, एंड द किचन सबसे फेवरेट पार्ट फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है, बहुत ही अच्छा किचन है ये, तो भूख लगी है, खाना गरम करके खाएंगे, एंड गुंजन नाइस सेवियर खाना लेके आए घर से, गुंजन का नाम, सॉरी आज से भूषण का नाम कैलेंडर, भूख लगी है कैलेंडर खाना, तो ये क्या चीज है, ये भी लॉक्ड है यार, सो नाइस। जैसे घर से बाहर आते हैं तभी, दिस इज आवर एरिया जस्ट फॉर अस, यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं, यहाँ पे डिनर खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बैठने वाली हूँ, एंड दिस इज द हॉट टब दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो जैसे ही खुलेगा विल टर्न टू अ हॉट जकूजी विद दिस काइंड ऑफ व्यू इन द नाइट, इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस प्लेस। अभी मुझे समझ में आ गया कि व्हाई पीपल से दैट ऑन लॉन्ग वीकेंड एंड एवरीथिंग जस्ट बुक अ कैबिन एंड गो। After doing the bonfire, we're doing barbecue. ये सब हमारे लिए बहुत नया experience है, कभी किया नहीं हमने ये सब। It's all calendar. इन लोग जकूजी में जा रहे हैं यार, वो हॉट जकूजी में जाओ प्लीज। ओ मेरे पति, तुम तो जाओ। इतना बारिश हो रही है अभी, ठंडा ठंडा बूंदे गिरेंगी। तो ऐसे ही है। मजा है ना? Tell him please. Please. कल रात बहुत मजा आया, लेकिन नाउ वी हैव टू लीव इन द रश बिकॉज हम एक्स्ट्रा सो गए, एटलीस्ट मैं एक्स्ट्रा सो गई, एंड नाउ वी वर लाइक टोल्ड टू लीव फास्ट फास्ट, हमने घर पूरा साफ कर दिया एंड वी आर लीविंग नाउ। बट अभी एक चीज और करनी है, अभी नीचे जाना है और बहुत अच्छा खूबसूरत लेक के बाजू में बैठ सकते हैं हम लोग। एवरीथिंग इज डन, यू आर आउट, ही डजंट माइंड, व्हाई वुड ही माइंड, वहाँ पर जाना है। शैनिस तू संभल के चल, ओके? यस। शैनिस काफी चल के आ गई है, अभी शैनिस को यहाँ रुकना था, मिलना यहाँ नहीं, वो देख नीचे वहाँ जाएंगे। ऊपर चढ़ के आने के लिए टेंशन लग रहा है, तो उठा के आएगा। वाओ, हम यहाँ पे क्यों नहीं बैठे? हम यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि हम आराम कर रहे थे। ये क्लाइम इजी नहीं था, सांस फूल गई, स्टेप्स बहुत ज्यादा ऊंचे, बहुत मोटे मोटे स्टेप्स हैं और टेढ़े मेढ़े, पर हो गया, शायद हमें दोनों ने कर लिया। इसका ही तो मजा है कि जाने, सारा धूप आ गई यार, हाँ नॉट इन प्रेगनेंसी, आई कैन अंडरस्टैंड। We are going to do some hiking, so whenever they
दिमाग को आज प्रिपेयर किया, बट आई थिंक गॉड इज विथ मी, नो हाइकिंग फॉर टुडे. डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ऐसे पॉइंट पे आ गए, बिग बैंग पॉइंट. हमको लगा था कि बहुत हाइकिंग है, लेकिन गाड़ी है, हम लोग गाड़ी लेके यहाँ तक आ गए. अदर साइड आज हम एक्चुअली एरोहेड प्रोविंशियल पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस लेक इन द मिडल, एरोहेड लेक. बहुत ही ब्यूटीफुल है. गुंजन सेज इट्स सस्ता बैफ, सो इससे खुश हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, बट नंदलेस द व्यू इज जस्ट अमेजिंग. आई लव इट. कैंपग्राउंड में भी बिरयानी खाएगी बिकॉज इतना अच्छा व्यू है एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे आके अचानक से भूख लगी है. निखिल तो नहीं खा रहा बिकॉज उसका तो फास्ट है. मेरा 12 घंटा हो गया है कि नहीं, 14 घंटे का था, वक्त के साथ 14 घंटे का था, बट इतना हाइक ट्रेल वेल कर लिया तो भाई थोड़ा कैलोरी बर्न हो रही है. निखिल ना, बस मैं बोल रही हूँ, आई नो हिम इन एंड आउट. यहाँ पे आके टाइम, अभी बोलेगा इधर आके थोड़ी ना चांस मिस कर सकते हैं खाने का. दिस इज सो नाइस. तो अभी हम थोड़ा सा हमस और चिप्स खाने वाले. मेरे पापा यहाँ पे होते तो ही वुड हैव फॉलन इन लव विद दिस प्लेस बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ही रियली रियली लव्स. वन डे आई गेट माय डैड हियर फॉर श्योर. अच्छे से घूमने के बाद जितना घूम सके उतना घूम चुके हम लोग आज. एंड वी हैड अ नाइस लंच. अभी पेट फुल कंप्लीट भर गया अच्छे से. निखिल ने आइसक्रीम खाने नहीं दिया मुझे, बट दैट्स फाइन, आई वोंट कंप्लेन दैट मच. एंड हम लोग का 380 ड्राइव्स है टू ओटावा. मुझे आज तक लगा कि इट्स ओटावा, बट गुंजन टोल मी इट्स ओटावा. सो अभी आप लोग वरना बोलोगे शैनिस क्यों एक्सेंट मार रही है फालतू में, इट्स ओटावा बट इट्स ओटावा. सो अभी 380 किलोमीटर का ड्राइव है, 4.5 आर्स लगेंगे पहुंचने के लिए. सो निखिल इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज ड्राइविंग स्किल्स हियर एंड ड्राइविंग. आई का स्किल चलाते रहते हैं. आई माइट टेक अ नैप नाउ. गुड नाइट. यू विल टेक अ नैप. ए पहुंच गए. ऑरेंज जूस. तो मुझे लगा था कि हम पहुंच गए हैं ओटावा, पर हम पहुंचे हैं क्यूबेक सिटी. ओटावा इज जस्ट 7 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर. तो बेसिकली हम दोनों चीजों के बीच में हैं. एंड यहां पे क्यूबेक में दे स्पीक अ लॉट ऑफ फ्रेंच, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा इस बार. जेपेल? क्या जेपेल यार निखिल? काफी अच्छा और स्पेशियस सा सूट है हमारा यहाँ पे. सो ये वाला हमारा क्लोजेट है, तो इसमें सब हमारा सामान आएगा. एंड ये वॉशरूम जो एक ही वॉशरूम है, बट इससे बहुत अच्छा कंफर्टेबल सा है. एंड देन दिस इज द बेडरूम विद टू क्वीन बेड्स, वेरी नाइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिविंग रूम एंड किचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. हमारा खाना खा के हो चुका है. अच्छा हुआ कि जो भी खाना कल गुंजन ने कैरी किया था वो अब तक बचा हुआ था. सो अच्छा दाल चावल और पनीर की सब्जी खाई हमने. एंड नाउ आई एम लाइक सुपर टायर्ड फॉर सम रीज़न. प्रॉब्ली इज़ द थर्ड ट्राइमेस्टर इफेक्ट. लेकिन अभी हमारा प्लान है कि हम थोड़े टाइम में बाहर जाएंगे बिकॉज यहाँ पे डाउन टाउन में बहुत कुछ है करने को टिल नाइट 2-3 AM. एंड इट्स फ्राइडे नाइट. फ्राइडे नाइट बहुत अच्छे तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, लाइक पार्टी वार्टी करके. सो दैट्स वॉट वी विल डू. बट लेट्स सी, मेरी बैटरी कभी भी आउट भी हो सकती है, सो आई एम नॉट श्योर. बट एनी वेज गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप कि आपको ये व्लॉग देख के अच्छा लगा हो एंड आपको मजा आया हो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, टेक केयर ऑफ द वंस अराउंड यू एंड बी गाइज.